हेलो फ्रेंड्स, मार्केट वाला कंडेंस मिल्क आज हम अपने घर पे ही बनाएंगे। चौंक गए? जी हाँ फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क, वही कंडेंस मिल्क जिसको हम केक, आइसक्रीम और स्वीट्स बनाने के लिए अपने घर पे यूज़ करते हैं और मार्केट से लेके आते हैं, उसे हम घर पे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस कंडेंस मिल्क की रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तब नई नई रेसिपीज आपके लिए लाने का हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले कढ़ाई में हम आधा लीटर दूध गर्म करने रखेंगे। फुल फैट दूध ही यहाँ पर यूज़ करना है और इसमें हम 100 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे चलाते हुए हमें पकाना है। दूध को हमें गाढ़ा करना है। जब तक दूध गाढ़ा नहीं होता है, तब तक हम इसको चलाते जाएंगे। दूध जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो साइड में इस तरीके से मलाई चिपक रही है, उसको भी अलग करते हुए दूध में मिक्स करेंगे और इसको चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है और जब तक वो 200 ml जितना ना रहे, तब तक इसे हमें पकाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूध गाढ़ा होके 200 ml जितना रह गया है। साइड्स की जो मलाई है, इसको हम अलग करके दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। दूध को ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, वरना वो ठंडा होने के बाद जम जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस की फ्लेम को स्लो पे रखना है और इसमें हम 2 चुटकी जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ये मैंने 1/4 teaspoon से भी थोड़ा कम सोडा ऐड किया है और इसे हम अच्छे से चलाएँगे। ये देखिए, सोडा ऐड करने के बाद ये अच्छे से फूल रहा है और इसे हमें लगातार इसी स्टेज पे चलाना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर स्लो पे ही रखना है, ये मेन पॉइंट है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो कितना शाइनी लग रहा है। जब तक ये जाग बंद नहीं हो जाती है, तब तक हमें इसको स्टिर करना है और पकाना है। 2 मिनट हम इसको लगातार चलाएंगे और आप देख पाएंगे कि 2 से 3 मिनट के बाद ही ये जो झाग है वो कम हो जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल झाग निकलना बंद हो जाएगा। इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कंडेंस मिल्क को हम ठंडा होने देंगे। कंडेंस मिल्क परफेक्ट बना है कि नहीं, इसको चेक करने का मैं यहाँ पर आपको एक और तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। चेक करने के लिए कटोरी में हम 2 बूंद कंडेंस मिल्क की लेंगे। और इसको कैसे चेक करना है, ये देखिए, ये थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, जैसे शहद चिपचिपा होता है ना, इस तरीके से चिपचिपा होना चाहिए। या आप यूँ समझ लीजिए कि आधा तार बनना चाहिए, यानी कि तार बन के टूटे, बस इसी तरीके से आधा तार बनना चाहिए, पूरा तार नहीं बनना चाहिए। और इसी स्टेज पर हमें गैस को ऑफ करना है। कंडेंस मिल्क को हम पूरे अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे, कढ़ाई में ही ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। और ये देखिए, ठंडा होने के बाद हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कंडेंस मिल्क की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आप इसको फ्रिज में रखेंगे, 1 month के लिए ये ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।